भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ जो सहकारिताओं के देशभर के सहकारिताओं के एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है, उसने निर्विरोध तरीके से अपना नया अध्यक्ष दिलीप संघाणी जी को चुना है। संघाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ जैसी संस्था अब आपके हिस्से में आई है। आपका जो पुराना रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड बताता है कि आप जहाँ रहे हैं आपने उसको एक निर्विकार तरीके से निरूपित करने का बड़े शानदार रूप देने का काम किया है। हर पांचवां व्यक्ति भारत का कहा जा रहा है कि उस सहकारिता से लाभान्वित है, और उस संस्था के अध्यक्ष बनकर के आप क्या सहकारी बंधुओं को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? आज देश में सहकारिता के माध्यम से, सहकारिता एक जन विचार जन आंदोलन जो है, महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, सबने गांव की उत्थान के लिए सहकारिता का माध्यम बनाने की सीख जो दी थी, और उसी दिनों में सहकारी जिस तरह से अपने देश में शुरुआत हुई। लेकिन सहकारिता 100 साल पुराना कानून व्यवस्था है। साम्प्रतिक समय में देखा जाए तो 2002 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब सहकारिता पॉलिसी बनी थी। उनके बाद सहकारिता पॉलिसी के बारे में समय के साथ ताल मिलाने के लिए नौजवानों को सहकारिता की ओर से आकर्षण करे, उनके काम में जुड़े, वो स्थिति का निर्माण करने के लिए आज समय की जो मांग है, तो हम कोशिश करेंगे देश में, देश के 4 जोन, मध्य जोन, वैसे 5 बड़ी सेमिनार करके सहकारिता के माध्यम से लोग कैसे जुड़े जाए और आज की पॉलिसी में क्या बदलाव जरूरी है, क्या नया लाने की ज़रूरत है, उनके माध्यम से सरकार की योजनाएं, जो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था, चलो जलाए दीप जहाँ अभी भी अंधेरा है, जो आखिरी मानवी है वहाँ तक सरकार की योजना पहुँचाने के लिए सबसे बड़ी कोई संस्था है तो सहकारिता है। छोटे गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पे और सभी सहकारी संस्था पर सरकार की निगरानी भी है, कई रजिस्ट्रार है, कोई ऑडिटर है, कहाँ पे सेक्रेटरी है, तो यदि कुछ योजना में समय से अमलवारी न हो तो उन पर निगरानी कर रही सरकार का ऑफिसर भी, उनके साथ ताल मिला के, उनके साथ संवाद करके इसी योजना के माध्यम से गरीब से गरीब हर वर्ग के लोगों की योजना सरकार ने दी है उनका अमलीकरण करने का हम प्रयास करेंगे। उनके माध्यम से प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम 2022 में किसानों की आय दुगुना करेंगे, उनकी कोशिशें हो रही है, इनमें सहकार के सहयोग से जल्दी हम उनको सफलता की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। नव पीढ़ी को, नई पीढ़ी को कैसे जोड़ा जाए? जैसा कि आपने कहा कि ये शताब्दी नई है, कोऑपरेटिव 100 साल पुराना है, ऐसी लोगों की मान्यता है कि नए नए संस्थान खोले जाएं बजाय कि ये इस प्रिस्वूमिंग में फंसा जाए जिसमें समुच्चय में लोगों को लेकर के काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये लैकिंग है, सहकारिता को लेकर के प्रचार तंत्र ढीला पड़ा हुआ है। उस दिशा में NCOI क्या करेगी कि सहकारिता की खूबी नए जनरेशन तक जाए, नए लोगों तक पहुँचे, उसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है और आप वो कैसे पहुँचाएंगे? सहकारिता का प्रसार प्रचार इतना ही हो जितना काम वास्तविकता हो सकता है, इनसे फायदा होगा, लोगों तक योजना पहुँचे, और जो लोग सहकारिता को पहचानते नहीं हैं वो द्वेष से देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन सहकारिता लोकतंत्र का एक हिस्सा है। कंपनी एक्ट के माध्यम से यदि कोई बड़ी कंपनी कोई भी उद्योग करेगी तो कंपनी एक्ट के हिसाब से जो व्यक्ति के पास 51% शेयर होंगे उन 50 लोगों के पास 1-1 शेयर होंगे
एक एक शेयर यदि उनके एजीएम मिली तो एक व्यक्ति बोलेगी वो जीत जाएगी, उन 50 लोग कुछ नहीं आएगा। तो कोऑपरेटिव में कितने भी शेयर किसी के पास हुए उनकी मर्यादा सरकार ने कानून से तय कर ली है, और वहाँ वन शेयर वन वोट नहीं है। कोऑपरेटिव में वन व्यक्ति वन वोट है, जैसे लोकतंत्र में है। तो पूर्ण लोकतंत्र की प्रतीक की हम लोकशाही में सहकारिता देखते हैं और काम करते हैं। दूसरी बात, यदि सहकारिता ये संस्था तो सेवा की संस्था है, कोई बिजनेस नहीं कर रही है, लेकिन समझो बैंक है, समझो इफ्को है, समझो क्रिप्को है, ऐसी संस्था है, नीचे तक अपना व्यवसाय तक पहुंचाने के बाद जो मुनाफा होगा वो मुनाफा नीचे तक डिविडेंड के रूप में, आज के समय में 20% डिविडेंड कोई संस्था दे, ऐसी संभावना बैंक भी इंटरेस्ट नहीं देती, तो ये सहकारिता ही कर सकते। मैं आज गुस्को मस्कुर का चेयरमैन हूँ, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो हम जब पहली साल हुए तो हमने 20% दिया, लास्ट ईयर हमने 21%, इसी साल हमने 22% डिविडेंड दिया। तो वो कोऑपरेटिव दे सकती है, बाकी कंपनी एक्ट में कोई इतना मुनाफा नहीं दे, और लोगों तक जो उनके सदस्य है वहाँ तक पहुँचता। इसीलिए देश में आज सहकारी जन आंदोलन के माध्यम से सभी क्षेत्र में काम करना जरूरी है, और सभी क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार के साथ संघर्ष नहीं, सहयोग, संवाद और उनका समर्थन लेना जरूरी है। हम इसी दिशा में काम करते हैं, सरकार की योजनाओं का, सरकार की मंशा का पालन करते हुए। जिस वक्त आप चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, उस समय सरकार की नीति में एक बात शामिल हो गई है, FPOs का जोर पकड़ा हुआ है, और जैसे कि आप बता रहे थे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं, कंपनी एक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सरकार में इस बात की सहकारिता की खुशबू के बारे में थोड़ी जानकारी कम है। अभी तो सरकार FPO के माध्यम से जो माननीय वड़ाप्रधान मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय 2022 में दुगुनी करेंगे, और उनके लिए उन्होंने FPO के माध्यम से एक कोशिश की। सहकारिता को उनसे बात नहीं है, सहकारिता को भी अपनी संस्था को ये प्रूव करना होगा कि हम FPO से ज़्यादा किसानों, मजदूरों या गांव के लोगों के लिए जिस संस्था के माध्यम से काम कर रहे हैं वो बेहतर है, वो अगले दिनों में प्रूव करने का एक मौका मिला है कि कुछ होगा, FPO होंगे वो काम करते होंगे, इस तरह से कोऑपरेटिव काम करते होंगे। तो मुझे विश्वास है कि कोऑपरेटिव 100 साल से काम जो कर रही है अपने बल मुद्दे से कर रही है, सहकारी संस्था को कोई ग्रांट सरकार की ओर से नहीं मिल रही है, और भी आर्थिक सुविधा छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी गांव की उनको नहीं मिल रहा है। हाँ, सरकार की योजना जो है उनका निर्वाह करने के लिए पहुँचाने किसानों तक, मजदूरों तक, महिलाओं तक, जो भी सोसाइटी हो, फिशरमैनों की, उनकी योजना वहाँ तक पहुँचाता है। आपका शिक्षा से बड़ा वास्ता है, आपकी पहचान आपके अमरेली में आपके स्कूल की वजह से है, विशेष शिक्षा की वजह से है, जो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर आप करते हैं, और ये लंबे समय से NCI के एक्स चेयरमैन भी और बाकी लोग भी इस बात के लिए कहते रहे हैं कि स्कूलों में सहकारिता को पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। इस दिशा में NSUI अध्यक्ष के हवाले से कुछ करना चाहे कहना चाहेंगे? मैं सरकार में भी आग्रह करूँगा, मिलूँगा भी HRD मंत्री बाकी को, अभी अपने कृषि मंत्री तोमर जी ने आरोग्य क्षेत्र में सहकारिता की पहल जो की है, उनके साथ साथ एजुकेशन की भी पहल हो, या ये सहकारिता यूनिवर्सिटी न बना सके तो कम से कम माध्यमिक स्कूल से उनका सब्जेक्ट लाया जाए। और ये मांग मैं जब MP था तब संविधान भी
और एनसीसी कंपलसरी करनी चाहिए और संविधान का पाठ भी शुरू से लेके जब तक ग्रेजुएट हो तब तक पूरा संविधान ऐसी तरह से पढ़ाना चाहिए। एनसीसी भी शुरू से होनी चाहिए जैसे राष्ट्रीय भावना जागृत हो। इसी तरह मैं जब कृषि सहकार मंत्री था गुजरात में, हमने कई यूनिवर्सिटी में कोशिश की कि आप सहकारिता शुरू करो, वो शुरू करे थोड़ा टाइम गया तो मैंने फिर सोचा कि मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हूँ और मेरे साथ 4 कृषि इंडस्ट्री जुड़ी हुई है तो हम शुरू क्यों ना करें। तो हमने नवसारी में सहकारिता के क्षेत्र में एक कॉलेज शुरू कर चुका हूँ। तो जो हमने कर चुका है और मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री थे तो अब ये बात उनके माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में मुझे आसान लगेगी। मैं मानता हूँ उनके कार्यकाल में जो गुजरात में अच्छी बातें हुई है वही बात यहाँ आज कोई उनके पास लेके जाएगा तो उनका समर्थन सहयोग मिलेगा। समान विचारधारा के व्यक्ति यहाँ के अध्यक्ष के तौर पर बैठा है जिसकी सरकार है, जो लंबे समय से तकरीबन 6 साल से इसका इंतजार था कि एक विचारधारा का एक गैप था और उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही थी। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और दुआ करते हैं कि इस चीज़ें हों। एक और बड़ी बात है कि 97th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सहकारिता को भारतीयों का मौलिक अधिकार बनाया गया था, वो रुका पड़ा है और कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में कोई लिटिगेशन पड़ा हुआ है। और एक दफ़े अगर वो हो जाए, 97 लागू हो जाए, तमाम भारतीयों के मौलिक अधिकार में सहकारिता शामिल हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उस दिशा में आपकी क्या पहलकदमी होने जा रही है? मैं इनका जवाब दूँ, उनके पहले आपने कहा कि एक विचारधारा के आदमी यहाँ बैठा है, मेरे ख्याल से दूध में पानी डालो तो पानी अलग नहीं हो सकता, वो दूध ही नाम हो जाता है। सहकारिता विचारधारा ही ऐसी है, कोई राजकीय राष्ट्रीय प्रांत भाषा की कोई विचारधारा है ही नहीं। जो मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सहकारिता का वही सूत्र है, सबका साथ लेके सबका विकास करने के लिए। हाँ, ये बात अलग है, मैं जिस विचारधारा से पॉलिटिक्स में आया हूँ, जो राष्ट्रीयता मानवतावाद जो समझे, वो सबको साथ लेके सबका विकास के लिए काम करने के लिए विचारधारा है। और यहाँ हम माने तो मैंने शुरू में जो बताया कि सहकारिता सबको समाविष्ट करती है। मैं जब चेयरमैन बना तो पास्ट प्रेसिडेंट आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल जी ने मुझे प्रपोज किया था, कांग्रेस के आगेवान एमएलए रह चुके दिल्ली में डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने समर्थन किया था और यूनानिमस हुआ। तो हम तीनों अलग अलग पार्टी के थे पॉलिटिकल, लेकिन उन्होंने भी ऊपर उठ के सहकारिता के लिए सबको साथ लेके आगे बढ़ने की जो विचारधारा है सहकारिता, उसी विचार पे मुझे चेयरमैन के लिए पूरे बोर्ड ने पसंद किया है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि राजकीय पक्षापक्षी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के सहकारिता माध्यम से राष्ट्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही उनकी योजनाओं अंतिम इंसान तक पहुँचानी, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी क्षेत्र का हो, कोई भी राज्य का हो, कोई भी पार्टी का हो, आखिर देश के नागरिक का उत्थान हो तो देश की तरक्की होगी। और सहकारिता का वो काम है, इस काम के लिए हम जुड़ते रहेंगे, जुड़े हैं और आगे चलते रहेंगे। ये 97th अमेंडमेंट के बारे में? जी, 97th अमेंडमेंट यहाँ केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब आया, तब मैं मोदी जी के नेतृत्व में चल रही गुजरात की सरकार में कृषि सहकार बाकी कानून मंत्री सब डिपार्टमेंट चला रहा था। तो हमने उसी जो केंद्र सरकार ने संविधान की संशोधन किया था उसी तरह हमने हमारे कानून में सुधार भी किया, हमारे विधानसभा में पास भी हो गए, कानून भी बन गया। उनके बाद उनको पॉलिटिक्स से नहीं देखे, लेकिन एक कांग्रेस के लीडर ने, हम बीजेपी में तब थे तो वो कानून तो हमने कांग्रेस ने जो 97 का सुधार किया उनके मुताबिक किया था, लेकिन लोकल लोगों ने हाईकोर्ट में उन्हें केस किया,
और हाई कोर्ट ने हमारा ये सुधार मंजूर नहीं किया, तो उसी टाइम सरकार ने, हमारी सरकार ने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने जो किया है ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में 97 अमेंडमेंट संविधान में किया, उनकी अमलवारी हमने गुजरात सरकार ने, बीजेपी सरकार ने की, और अपील भी हमने गुजरात सरकार ने यहाँ की हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब चलेगा तब आगे बढ़ेंगे, लेकिन एनसीआई की जिम्मेदारी होती है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई ऐसा रुकावट है तो क्या एनसीआई की तरफ से ऐसी कोई पहलकदमी की उम्मीद है आपके अध्यक्ष बनने के बाद? या सर नहीं, हमने कोशिश, हमने चर्चा की है हमारी एनसीआई की लीडरों से कि उनके लिए दो तरह से करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट का भी संपर्क करेंगे और जिसने ये केस डाला है उनका संपर्क करके राष्ट्र के हित में, सहकारिता के हित में आप क्या मदद कर सकते हैं उनके लिए भी हम चर्चा करने वाले हैं। एक और बड़ी बात, जब एनसीआई के कार्यकलाप की बात हो रही है, शिक्षण प्रशिक्षण का काम पिछले दिनों जो एक विभाग एनसीआई का विभाग चलाता था वो अलग होकर के एक अलग जगह चला गया है और उसके लिए कोई लिटिगेशन का मामला चला हुआ है, एनसीसीटी का मामला मैं कह रहा हूँ, तो उसके लिए नए अध्यक्ष तौर पे आपकी क्या पहलकदमी होगी, क्या होगा उस दिशा में? मैं नया अध्यक्ष हूँ इसलिए उनकी पहल करूँगा ऐसा नहीं, हमने डॉक्टर चंद्रपाल जी जब चेयरमैन थे एनसीआई के तब उनके साथ रह के केंद्र सरकार के कंसर्ट मंत्री श्री साथ ऑफिसरों साथ मिलके हमने उनकी चर्चा भी की है और उसी दिनों में हम आगे बढ़ रहे थे कि उनका कहीं ना कहीं समाधान होगा। इस दिनों में कोरोना आ गया, थोड़ा गैप हो गया, बाद में चुनाव आ गया, तो चंद्रपाल जी के नेतृत्व में जिस बात को लेके सरकार के साथ हम आगे बढ़ रहे थे इसी बात को लेके हम आगे बढ़ेंगे और समाधान होगा, इसलिए ऐसा मेरा विश्वास है। एक सवाल और है इससे जुड़ा हुआ, एनसीआई से जुड़ा हुआ पर्टिकुलरली, कि आप आने वाले दिनों में एनसीआई को कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल के लिए आपके हाथ में कमान आई है। देश के हर क्षेत्र में, चाहे फिशरमैन हो, हाउसिंग हो, एग्रीकल्चर के हर प्रोडक्ट हो, महिलाओं का उत्थान का मामला हो, हर क्षेत्र में कोऑपरेटिव सेक्टर काम कर रही है, कहीं सुसूत स्थिति में, कहीं धीमी गति से है, और आज के कानून, आज की स्थिति, उनके स्टडी, उनका एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग जो होनी चाहिए वो इतनी गति से तेज हम बढ़ाएंगे जिससे सरकार बजट में या उनकी पॉलिसी लेके कोई भी योजना करे तो इसी योजना का लाभ सहकारिता के माध्यम से अंतिम इंसान तक पहुँचाने की कोशिश हर सहकारी क्षेत्र वाला कार्यकर्ता करे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। हमने एक प्रयोग किया था अभी कोरोना के टाइम में, किसानों को 31 मार्च तक उनका ऋण अदा न करें तो 11% भरना पड़ता है, 31 मार्च के दिन तक कर दे तो 0% था। सरकार ने कोरोना की स्थिति देखते हुए एक महीना बढ़ाया, दूसरी दफ़ा 2 महीना बढ़ाया, फिर भी APMC नहीं खुली थी, किसानों के क्रॉप बाजार में लाने मुश्किल था, इसी स्थिति में जो किसान मुश्किल में था, तो मैं और एक संस्था चलाता हूँ, काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कार्ड, गुजराती में कृषि और ग्राम विकास परिषद, उनके माध्यम से हमने अपील की जिसके पास जो पैसे है बिना इंटरेस्ट हमारी संस्था में दे, हम इस किसान को देंगे जिसको ये ज़रूरत है विदाउट इंटरेस्ट। तो हमने करीब 7-8 करोड़ रुपया फंड एकत्रित किया, रोज़ जितने लोगों का हम पैसे भरते थे, दूसरे दिन बैंक मंजूर करती थी, दूसरे दिन वो पैसा, हम राउंड करते करते 50 दिन के लिए पैसा मांगे थे, 45 डेज में हमने पूरे ज़िले के किसान के पैसे रोट कर दिए और सबको 0% देने का श्रेय ये सहकारिता के माध्यम से हम कर पाए। तो सहकारिता विचार जिस क्षेत्र में करेंगे पॉजिटिव होगा, किसी का उपयोग करने के लिए होगा, किसी का उत्थान करने के लिए,
किसी को नुकसान करने का काम कभी सहकारिता नहीं कर सकती। आप नए हैं और नए अध्यक्ष हैं, लेकिन नकारात्मक बात नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन जब आप आए हैं तो बैंकों को लेकर, सहकारी बैंकों को लेकर के या उनकी प्रतिष्ठा को लेकर के बार बार सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। RBI ने कुछ रेगुलेशन अथॉरिटी बनाई है, वो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, उसको कैसे दूर करेंगे? मेरे ख्याल से RBI को पता नहीं क्या है सहकारिता के साथ उनका, इंडिया और भारत जैसे हम भाषणों में बोलते थे ऐसा है, सहकारिता उनके क्षेत्र में है ही नहीं। सबसे ज़्यादा सेवा सहकारिता करती है, हर टाइम में हम कहते हैं कि सहकारिता के साथ जो व्यवहार RBI का है उनको देखना चाहिए। वास्तविकता में NABARD को पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए, RBI ने उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वैसे तो NABARD 1960 में RBI से अलग हुआ है, कानून से हुआ है, तो NABARD देखता है कि वास्तव में कौन कैसा काम कर रहा है। समझो नोटबंदी आई, कोर्ट के माध्यम से आज भी कई बैंकों में पैसे पड़े हैं। यदि हम उसी दिनों भी सबको लिखते रहे, कहते रहे, यदि गैरकानूनी या गलत नोट या झूठी नोट है तो उनके सामने एक्शन लो। यदि दो नंबर के पैसे हैं तो इनकम टैक्स ED उनके सामने कार्यवाही करे। यदि नोट आज भी पड़ी है तो इस कोऑपरेटिव को क्यों ये सहन करना जरूरी है? और मैं बैंकों का नाम लूँगा तो ठीक नहीं होगा, इंटरनेशनल बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक, उनकी नोटें सरकार की जो गाइडलाइन थी ऊपर कहीं जगह पकड़ी गई, कहीं मीडिया में दिखाया गया, आज भी उनके सामने एक्शन नहीं आया कोई। यदि मैनेजर की ट्रांसफ़र के लिए कोई एक्शन होती है, यदि कोऑपरेटिव बैंक NI उनका जो अकाउंट खोलने में छोटी सी गलती होगी तो उनको बड़े बड़े पेनल्टी करती है। ये RBI का पक्षपात है। मैं मानता हूँ कि RBI को देश की भावना से देखना चाहिए। सहकारिता के बारे में जो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपकी बातचीत से लगता है कि जहाँ बैठे हैं इस बात को आप कन्विंस करने के लिए तैयार होंगे कि सहकारिता के प्रति जो भी किसी भी महकमे में, RBI हो या सरकार का कोई भी महकमा हो, तो दूसरा नज़रिया जो है, दोयम नज़रिया जो सेकेंड ग्रेड मान रहे हैं, आपके कन्विंसिंग पावर से, आपके स्किल से उनमें सुधार आएगा और सहकारिता की खुशबू आपके भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष रहते हुए सरकार के हर महकमे में पहुंचेगी और उसका एक रास्ता तय होगा, जिससे कि जो आप कह रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर हर नीचे तक वो बात पहुंच पाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।